बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। असद, मैं इस वक्त बिनते फातिमा ओल्ड होम में मौजूद हूँ। इस वक्त जो है शदीद जो है वो बारिश हो रही है माशाल्लाह कराची में, और इस वक्त जो है मैं आपको एक ऐसे फरिश्ते से मिलाऊंगा कि जो यकीन करें कि नेकी की जो है वो करें नियत करें और जो है उसको फिर पहुँचाएँ, और जो सामान क्या क्या उसमें जो है यहाँ रख लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब ठीक हैं? देख लें, कल मैं कह रहा था ठंडी हवाएं चल गई, आज तो बरसात ही पूरी शुरू हो गई। हाँ माशाल्लाह। और देखिए ज़रा, मैं आपको चले इसी बहाने में आपको मिलवाता हूँ कि देखें, जब इंसान नियत करता है ना कोई नेकी की, तो उस नेकी को फिर अल्लाह किस तरह जो है मुकम्मल करता है, हम तो कर ही नहीं सकते ना, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो हाँ, रख दो ये एक साइड पर रख दो ताकि इसको खोल के भी देखें इसमें क्या है। तो आमिर बेटा है, उन्होंने जो है दुबई से सामान भेजा है आपके सुकून के लिए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, आप लोग आराम से हो। माशाल्लाह, ये भी कोई बड़ी ख़ास चीज़ लग रही है मुझे। तो इस वक्त जो है देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जो ऑफिस में फरजाना वहाँ भी है और राशिद भाई भी हैं, ये आप उनकी जो है मिसेज हैं। जी जी, तो मैं इनसे भी मिलाऊंगा। आ जाए बाहर आ जाए, हम लोग वो आपके सामने जो है ओपन करते हैं कि देखें आमिर भाई ने जो है राशिद भाई के ज़रिए, उनके बड़े अजीज़ उनके दोस्त हैं माशाल्लाह। तो कहाँ गए? आज ओपन करो, आ जाओ। अच्छा, एक तो ये माशाल्लाह देखें जी, ओहो क्या बात है, बादाम भी है साथ में। बेशक बिल्कुल। तो अभी भी देखें बाहर इतनी तेज शदीद जो है वो बारिश हो रही है, मेरा ख्याल है। हाँ माशाल्लाह, ये सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से। वो भी खोलो, ओपन करो, कि वो हमें भी इस काम में अजर के लिए शामिल कर लेते हैं। बेशक। असद भाई आप, मैं नहीं, आप जो आप इतनी बारिश में है, माशाल्लाह, ये बादलों में बयान होने वाला काम ही नहीं। ओहो क्या बात है जी, आमीन आमीन, क्या बात है जी। तो जी इस वक्त जो है बारिश भी तेज है, और हाँ ये मुझे लग रहा है चाय की पत्तियाँ, देखें चाय का सामान। अच्छा ड्राई निकालो जरा। अच्छा ये जो है, क्या बात है जी, वो खोलो, वो देखो तो मुझे बड़ी कोई स्पेशल चीज़ लग रही है। ये आप दे ना, खोल के ओपन करें, ये तो पहले तरफ बिस्मिल्लाह करके जो है ये सबको दे ना आप। बस ये आप अपने दो में याद रखें, ले बिस्मिल्लाह करें। ठंड सर्दियों की सौगात, कराची तो दोबारा सर्दी आ गई, भले एक दिन के लिए दो दिन के लिए आई सही। आमीन, आमीन। दिखाओ क्या निकाला इसमें से। अच्छा माशाल्लाह, ये है, दिखाओ मुझे, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं, एयर फ्रेशनर। ओहो क्या बात है, करें थोड़ा सा, करें जरा खुशबू जो है वो महके। अच्छा ये सारे रूम स्प्रे है। अच्छा क्या बात है, मतलब कि जो है ना इसमें ऐसे है कि अरबिक है। अच्छा जाहिर बात है जी, दुबई से उन्होंने स्पेशल भिजवाया है। अच्छा देखें जरा माशाल्लाह कैसी है, रूम स्प्रे तेज होता है। अच्छा ओहो, अच्छी खुशबू आ रही है। चले सर्दियाँ भी, और साथ में जो है वो ड्राई फ्रूट तो नहीं कह सकते, लेकिन बेहतरीन बादाम जो है दुबई से। जितने दांत है उतने उठा लिए हैं, बिल्कुल। मुझे बताइएगा राशिद भाई, एक तो मैं एक सेकंड मैं एक चीज़ दिखा दूं, ये देखें ज़रा बाहर इस वक्त जो है अभी भी बहुत तेज़ जो है वो बारिश हो रही है, यकीन करें अभी भी जो है आपको बादल नज़र आ रहे होंगे। राशिद भाई ये कैसा अल्लाह का कैसा तवक्कल है कि आप इतनी बारिश में इन माओं के लिए, माशाल्लाह ये आमिर भाई की अमानत, अपने आप तो सदका जारिया बने, ये क्या वो था अल्लाह के साथ, क्या ताल्लुक है ये भाई जान? सबसे पहले तो मैं आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी बारिश में भी ऊपर से अपने कमरों से निकल कर आई हैं, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो बारिश है ना जी, जी ये इस काम से, ये काम जो है ये ज़्यादा अफसल है। बारिश तो आती और जाती है, ये अगर कोई एक चीज़ भी किसी चीज माँ के लिए कमी होती है तो वो उसका कोई फिर ऑल्टरनेट नहीं देते, बदल नहीं है। आमिर भाई ने हमको इस ट्रैक पे चढ़ाया है। अच्छा माशाल्लाह, भी लगाया है आमिर भाई के लिए, भी मेरी बहुत सारी दिल से दुआएं हैं।
और ये बस ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसा नशा है जो उतरता नहीं है। ओए अल्लाह, बेशक लोगों की मदद करने का कबूल करे, आमीन। इनसे अल्लाह पाक ने क्या काम ले लिया, बेशक जन्नतों में कितने महल बना लिए, हमें भी महल में कहीं चौकीदार रख ले तो भाई। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम है, सबके दुआओं के सदके अल्लाह चुनता है, बेशक। असद भाई आपको भी चुना हुआ, जजाक अल्लाह, आमिर भाई को भी चुना हुआ, बेशक। तो ये सब उनकी अल्लाह करीम की मेहरबानी का नतीजा, बेशक बिल्कुल। आपका शुक्रिया एक दफ़ा फिर, इतनी बारिश में इन माओं के लिए देखें सामान लेकर आए जो कि आमिर भाई ने दुबई से भेजा है। मुझे बताइएगा आमिर भाई के लिए, मैं तो ये कहूँगा कि दो अल्फाज बड़े कम पड़ जाएंगे, क्या कहेंगे ऐसे बेटे के लिए? आमिर है तो पंजाब का, लाहौर शेखपुरा का, जी शेखपुर से, लेकिन दुबई में इसका अपना बिजनेस है माशाल्लाह, और इन आउट जाहिर है वो करना पड़ता है अगर यहाँ भी रहे तो। जी जी माशाल्लाह, दो बेटियाँ उसकी, शाजिया उसकी वाइफ है, और इसने ना इन माओं का रिश्ता जो है ना जबरदस्ती खींचे अपनी तरफ, और जबरदस्ती जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती खींचा, चावल की उसको फिक्र होती है, टिश्यू दूध पत्ती बॉडी रूम स्प्रे लोशन पेट्रोलियम, ये जब भी जाता है वहाँ ना इतना सामान इकट्ठा करता है, इतना इकट्ठा करता है, कुछ ये बुक करवा देता है, जी बिल्कुल, साथ लेके आता है, जी बिल्कुल, किसी के हाथ उसने भेजा कराची, जी बिल्कुल, ये उनके कजन है जो के ये माँ की मदद लेकर आए हैं। बहुत बहुत दुआएं आमिर के लिए, और मेरे लिए ना वो मेरा बेटा है, मैं कहती शायद उतना असद मेरा प्यार ही बिल्कुल ऐसे ही है, अमर भी मेला लूट लिया आए बेशक, और ऐसी दुआएं देता ना कि उसके जवाब में ना मेरे पास कोई दुआ नहीं होती, कोई बात नहीं होती, अल्लाह पंखे रोज दे, आमीन 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 आमीन। बस छोटी सी दुआ भी कर लेते हैं, बारिश भी तेज़ हो रही है, उन तमाम लोगों के लिए छोटी सी दुआ कर दीजिए कि जो बारिश हो रही है कि जहमत ना बने, रहमत रहे, और अल्लाह ताला जो है जो इस वक्त बेचारे परेशान है, और जो यकीन करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, जो कराची के एकदम से हालात हो जाते हैं, पूरे पाकिस्तान को आगे माशाल्लाह इलेक्शन भी आने वाले हैं, वो भी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला वो भी हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सके वो अल्लाह की ज़ात करे, आमीन आमीन। तो बारिश भी हो रही है, कहते हैं दुआ भी बड़ी कबूल होती है बिल्कुल। तो भाई जी इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, और जाते जाते एक चीज़ और कि मैं थोड़ा सा गया, जो एक चीज़ याद रखिए कि जब आप नेकी का सोचते हैं ना कि आप नियत कर लेते हैं, उस नियत करने के टाइम से अल्लाह पाक अजर शुरू कर देता है, उसको मुकम्मल कैसे करता है यकीन करें ये मेरा आपके बस का काम नहीं है, ये अल्लाह ही उस अमल को उस नेकी को मुकम्मल करता है, जो कि आज राशिद भाई ने जो है बारिश के अंदर बस निकल आए कि मुझे ये अमानत उन तक पहुंचानी है, और देखिए अल्लाह ने कैसे उनको फूलों तक यहाँ पहुंचाया, सब माएँ भी खुश हो गई। अल्लाह ताला हमें आमिर भाई और राशिद भाई जैसे ही लोगों में शुमार रखे कि जो दिन रात सोचे कि यार सपोर्ट की क्या नेकी करनी है, फिर अल्लाह उसको मुकम्मल कर देता है। यही मिसाल सेम हमारी बिनते फातिमा ओल्ड होम की उम्र की है, उम्रे पे भी ऐसा ही होता है, हम सिर्फ नियत करते हैं और अल्लाह कैसे उसको मुकम्मल कर देता है, हम सोच भी नहीं सकते कि हम उम्रे की अदायगी करके आ गए, ये छठा काफिला हो गया, ये बड़ा शॉकिंग होता है हमारे लिए, लेकिन अल्लाह ही मुकम्मल करता है। इसलिए कह रहा हूँ हमारी आपकी किसी की औकात नहीं है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप भी सुबह उठे तो नियत नेकी की करें, शाम तक अल्लाह मुकम्मल कर देगा। राशिद भाई बहुत शुक्रिया, राशिद भाई आपके लिए इतनी बारिश में आए भाई, आमिर भाई को तो है क्रेडिट लेकिन इतनी बारिश में आपको भाई ये टोपी भी अगर हमें मिल जाए, आमिर जजाकअल्लाह जी, किसी एक की दुआ में लग जाए हमारे बेड़े पार हो जाए, बेशक जी। तो बस इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, जजाकअल्लाह जजाकअल्लाह खैर।